नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमएस एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शंस की, जो कि सीपीसीटी के पेपर्स में ज्यादातर आते ही हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्मूले की डेफिनेशन है क्या। तो फॉर्मूले का मतलब होता है ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड का एक ऐसा संयोजन जिसका प्रयोग गणितीय गणनाओं को संपन्न करने के लिए हो सकता है। मतलब क्या बोला गया है कि यहाँ पर हम ऑपरेटर्स और ऑपरेंड दोनों का ही इस्तेमाल इस तरह से करें कि जिससे क्या हो, हम मैथमेटिकली उनको कैलकुलेट कर सकें। तो इस चीज को क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा फॉर्मूला। इसमें क्या है, ऑपरेटर और ऑपरेंड दोनों का ही सीक्वेंस सुनिश्चित होना जरूरी है। तो जैसे मैंने लिखा, ये मैं आपको उदाहरण लिख देता हूं, मैंने लिखा 5 + 3 और दूसरा मैंने लिखा 5 + 3। तो दोनों में ही मैंने क्या है, ऑपरेटर और ऑपरेंड का इस्तेमाल कर रखा है। किसका है, यहां पर भी ऑपरेटर और ऑपरेंड का इस्तेमाल किया है, यहां पर भी मैंने ऑपरेटर और ऑपरेंड का इस्तेमाल किया है। अब इनमें से क्या है, केवल इस पर ही गणितीय गणना हो सकती है, इस पर गणितीय गणना करना संभव नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये तो एक फॉर्मूला है लेकिन ये एक फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या समझेंगे कि अगर हम एक्सेल में फॉर्मूले का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऑपरेटर और ऑपरेंड दोनों का ही सीक्वेंस सुनिश्चित रहना आवश्यक है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है फॉर्मूला। तो गणित हमारे एक्सेल में ऑपरेटर और ऑपरेंड दोनों का ही एक ऐसा संयोजन जिसका प्रयोग गणितीय गणनाओं के लिए हो सकता है, उसे क्या कहा जाता है, फॉर्मूला कहा जाता है। अब फॉर्मूले से आते हैं फंक्शंस। क्या पूछे जाते हैं, फंक्शंस पूछे जाते हैं। फंक्शंस होते क्या हैं? तो एमएस एक्सेल वालों ने देखा, एमएस ऑफिस वालों ने देखा कि भाई बहुत सारे फॉर्मूले तो लोग बाकी इस्तेमाल करते हैं, तो लोगों को बार बार फॉर्मूले डिफाइन करने से बेहतर क्या है कि एक्सेल वाले खुद से ही फॉर्मूले बनाकर सेव कर दें, मतलब पहले से ही डिफाइन किए हुए फॉर्मूले। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है क्या, प्री डिफाइंड फॉर्मूला। मतलब ऐसे फॉर्मूले जो पहले से ही डिफाइन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहेंगे क्या, फंक्शंस। याद रखिए, ऐसे फॉर्मूले जिनको एमएस एक्सेल में पहले से ही डिफाइन करके रखा गया है उन्हें हम फंक्शंस के नाम से जानते हैं। इसे आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखें। तो अब आगे हमने टर्म लिखा हुआ है क्या, नेस्टेड फंक्शंस। तो नेस्टेड फंक्शन का मतलब है क्या, नेस्टेड फंक्शन का मतलब हो जाता है एक ऐसा फंक्शन जो दूसरे फंक्शन के अंदर डिफाइन किया हुआ हो। तो जैसे मैंने लिखा, मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि क्या दिया, मैंने लिखा राउंड और पाई। तो मैंने क्या करा हुआ है, राउंड और पाई नाम की दो फंक्शंस का इस्तेमाल किया हुआ है। किसका इस्तेमाल किया, राउंड और पाई का। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, पाई एक अलग फंक्शन है और राउंड एक अलग फंक्शन है। ये क्या है, अलग है। तो मतलब पाई भी एक फंक्शन है और राउंड भी एक फंक्शन है। अब राउंड के अंदर हमने क्या करा हुआ है, पाई को डिफाइन किया हुआ है। राउंड के अंदर ही हमने करा हुआ है, पाई को डिफाइन किया हुआ है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो इस तरह के फंक्शंस कहलाते हैं नेस्टेड फंक्शन। कई बार पेपरों में सीधी के लिए पूछे गए हैं कि नेस्टेड फंक्शंस क्या होते हैं, तो फंक्शंस विद अनदर फंक्शंस क्या कहलाते हैं, नेस्टेड फंक्शन कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं कि फंक्शंस की कैटेगरी कितनी होती है। तो एमएस एक्सेल में फंक्शंस की बहुत सारी कैटेगरी है, जिनमें से मैंने महत्वपूर्ण कैटेगरीज को चुन लिया है। तो कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, तो पहली कैटेगरी होती है मैथमेटिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दूसरी होती है स्टैटिकल फंक्शंस, तीसरी होती है टेक्स्ट फंक्शन, चौथी होती है लॉजिकल फंक्शन, पांचवी होती है लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन, छठवीं होती है डेट एंड टाइम फंक्शन, सातवीं होती है फाइनेंशियल फंक्शन और आठवीं होती है इंफॉर्मेशन फंक्शन। दोस्तों याद रखना, ये सारी की सारी फंक्शंस की कैटेगरी हैं और एग्जाम में कई बार कैटेगरी के क्वेश्चन आए हैं। वहां पर आपको एक फंक्शन दे देंगे और उसकी श्रेणी पूछेंगे, कैटेगरी पूछेंगे। तो देख लेते हैं कि किस कैटेगरी में कौन से फंक्शंस आते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे मैथमेटिकल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहला होता है ABS, एब्सोल्यूट। दूसरा क्या है, सीलिंग। तो दोस्तों ये वाला जो फंक्शन होता है ये हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला फंक्शन भी हमसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। याद रखिए कि सीलिंग और फ्लोर एग्जाम में ज्यादा आते हैं। इसके अलावा पावर आता है, इसके अलावा मोड आता है, इसके अलावा स्क्वायरिटी आता है, इसके अलावा सम आता है, और इसके अलावा आता है हमारा एक और फंक्शन और वो है हमारा राउंड।
तो हमारे एग्जामों में ये फंक्शंस पूछे जाते हैं, और बाकी इसके जो फंक्शंस हैं उनकी कैटेगरी के नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप इसको पढ़ लेना, याद कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बताइए, पूछ रहे हैं आपसे, बताओ लॉग फंक्शंस किस कैटेगरी का है, तो लॉग फंक्शन का संबंध है मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। इसके अलावा मैंने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इग्नोर कर दिया, साइन है, कॉस है, साइन एच है, कॉस एच है, जो आप देख के समझ जाएंगे, तो उसे बताने की आवश्यकता मुझे नहीं लगी। तो मैं किसके बारे में बात करूंगा, मैं बात करूंगा सीलिंग और फ्लोर के बारे में। सबसे पहले तो सीलिंग और फ्लोर के क्वेश्चन आप देख लीजिए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन में कैसा आएगा, तो आप देखिए सीलिंग और फ्लोर ऑफ क्वेश्चन आएगा कैसा आपके सामने। तो लिखा होगा सीलिंग, क्या लिखा होगा सीलिंग, और क्या दिया हुआ है इसमें, मैंने लिख दिया क्या 7.4, क्या लिख दिया सीलिंग 7.4। तो इसका मतलब है क्या, तो भाई सीलिंग का मतलब होता क्या है, तो जो पहला नंबर है और यहाँ जो क्या है दूसरा नंबर है, तो क्या बोला हुआ है कि 7 के आसपास 4 से डिवाइड होने वाली बड़ी संख्या, ध्यान रखिए 7 के आसपास 4 से डिवाइड होने वाली बड़ी संख्या, तो जो पहला नंबर है इसके आसपास क्या है दूसरे नंबर से डिवाइड होने वाली बड़ी संख्या। तो हम सभी जानते हैं कि 7 के आसपास 4 के डिवाइड होने वाली अगली बड़ी संख्या कौन सी होती है, जो कि होती है 8। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 8। इसी तरह का आप तरीका आप लगाना दोबारा पुराने पेपरों में, और आप इसके आंसर भी निकाल पाएंगे। अब मैंने क्या बताया हुआ है फ्लोर, तो फ्लोर भी सीलिंग की तरह ही होता है, फ्लोर भी किसकी तरह है सीलिंग की तरह। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 7.4 दे दिया। अब क्या बोला हुआ है 7 के आसपास 4 से डिवाइड होने वाली छोटी, तो सीलिंग में होता है बड़ा और फ्लोर में होता है छोटा, तो 7 के आसपास 4 के डिवाइड होने वाली छोटी संख्या देखी जाए तो वो हम सभी जानते हैं कौन सी होती है, तो 7 के आसपास 4 के डिवाइड होने वाली छोटी संख्या केवल 4 ही है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4। तो अब इसी प्रकार हम यहाँ देखें, हम देखें मोड, तो मोड का इस्तेमाल होता है शेष फल को निकालने के लिए, किसके लिए इस्तेमाल होता है शेष फल को निकालने के लिए। तो मैंने दे दिया आपको मोड 7.4, तो क्या बोला हुआ है 7 के आसपास, मतलब 7 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो हम सभी जानते हैं आंसर आएगा 3। तो मोड का मतलब होता है शेष फल को ज्ञात करना, ओके। अब इसी प्रकार पावर, तो पावर का मतलब क्या है, तो पावर मैंने लिखा पावर 2.4, तो इसका मतलब हो जाता है 2 पे घात 4, मतलब पहली संख्या पर दूसरी संख्या घात में चढ़ा दो, तो मतलब 2 क्या 20 है और 4 क्या पावर है, 2 पे घात 4 कितना होता है 16, यहाँ पर आंसर आ गया 16। अब बात आती है राउंड, तो राउंड काफी महत्वपूर्ण होता है, राउंड का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो राउंड का इस्तेमाल करते हैं नंबर्स को राउंड ऑफ करने के लिए। तो जैसे मैंने लिख दिया राउंड 3.1415.2, क्या लिख दिया 3.1415.2, तो इसे पढ़ेंगे क्या कि 3 के बाद दशमलव के 2 अंक रखने, अगर कॉमा 2 लगा हुआ है ना, तो मैं थोड़ा सा बड़े में लिख देता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख देता हूँ नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आप देख लीजिए इस फंक्शन को। तो मैंने लिखा क्या राउंड 3.1415.2, ये लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है कि 3 के बाद दशमलव के केवल 2 अंक रहने हैं, बाकी सारे अंक क्या करने हैं हटाने हैं। और जब भी अंकों को हटाया जाएगा तो एक नियम लगता है कि 5 या फिर 5 से बड़ा अंक अगर हम हटाना है तो आगे हमें एक जोड़ना पड़ेगा, और 5 से छोटा है तो हमें कोई भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने क्या लिखा 3.1415 लिखा, और हमें दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए, मतलब इतने नंबर चाहिए, 5 और 1 हटाना है, तो 5 को अगर हम हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो 5 क्या है 5 से बड़ा है, जैसे हमने इसको हटाया आगे एक ऐड हो गया, तो नंबर क्या हो गया 3.142। अब हमें क्या है ये भी नहीं चाहिए, मतलब 4 तक की नंबर चाहिए थे, 2 डिजिट तो चाहिए, 2 को भी हटाया, जब 2 को हटाएंगे जो 5 से छोटा है तो कोई फर्क पड़ा नहीं, तो हमारा इसका आउटपुट आ जाएगा 3.14। तो राउंड का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं, ध्यान दीजिए राउंड का हम इस्तेमाल क्या करते हैं नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए। तो यहाँ जो 2 लिखा हुआ था, 2 का मतलब क्या है कि दशमलव के 2 अंक चाहिए, अगर 3 लिखा होता तो 3 रखते हैं, 0 लिखा होता तो दशमलव पर हम कोई अंक मानते ही नहीं। जैसे मैं अगर आपको दूसरा क्वेश्चन दे दूं, अगर आप यहाँ देखिए, तो यहाँ होता हमारा राउंड 6.76.0, तो मतलब क्या है दशमलव पर हमें कोई अंक नहीं चाहिए, मतलब हमें क्या करना है 6.76 में ये रखना है, बाकी सब हटा देना है, तो 6 को अगर हटाएंगे तो आगे एक हो जाएगा, तो हो गया 6.8, लेकिन हमें तो ये भी नहीं चाहिए, ये भी हटाया तो आगे एक और जुड़ गया, यहाँ तक हो जाएगा 7, याद रखिए। तो ये हो जाते हैं हमारे किसके बारे में मैथमेटिकल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। SQRT का यूज क्या है, तो SQRT का यूज होता है वर्गमूल निकालने के लिए, किसके लिए होता है
वर्गमूल को निकालने के लिए एसक्यूआरटी का इस्तेमाल किया जाता है, और सम का इस्तेमाल होता है एडिशंस के लिए। किसके लिए यूज होगा? यदि हम एडिशंस करना चाहते हैं तो इस्तेमाल करेंगे सम को। अब आता है हमारा कौन सा? स्टैटिकल फंक्शन। तो स्टैटिकल फंक्शन में कौन कौन आते हैं? तो उसमें आते हैं एवरेज, एवरेज इफ, काउंट, काउंटा, मैक्सिमम, मिनिमम और काउंट इफ। तो हमारे एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है एवरेज, काउंट, काउंटा, मैक्सिमम, मिनिमम। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादातर पूछे जाएंगे। क्या करना दोस्तों कि हमसे एग्जाम में पूछते क्या है? तो एवरेज जो होता है, क्या देख रहे हैं? एवरेज। तो एवरेज का इस्तेमाल हम करते क्यों हैं? तो एवरेज का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? औसत निकालने के लिए। दोस्तों क्या याद रखोगे कि एवरेज का इस्तेमाल जो होता है उसका यूज किस लिए होता है? क्या निकालना है? हम निकालना चाहते हैं किसको? हम किसको निकालना चाहते हैं? हम निकालना चाहते हैं औसत को। याद रखिए, कई बार इसका शॉर्ट फॉर्म आ जाता है जो कि गलत है। तो औसत को निकालने के लिए किसका प्रयोग होगा? एवरेज। वहीं पर अगर हम बात करें काउंट, तो काउंट का मतलब क्या है? तो काउंट का मतलब हो जाता है गिनना। यदि हम कोई नंबर को काउंट करना चाहते हैं, हम नंबर को गिनना चाहते हैं, या फिर हम दी गई रेंज में, ध्यान रखिए, दी गई रेंज में हम क्या करना चाहते हैं? काउंटिंग करना चाहते हैं, गिनना चाहते हैं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हम काउंट का प्रयोग करते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी दी गई सेल में अगर हमें क्या करना है? नंबर ऑफ सेल्स काउंट करनी है। याद रखिए, तो जैसे मैंने ये दे दिया इक्वल टू काउंट A1 से लेके B5, तो A1 से लेके B5 तक कुल कितने सेल है, मतलब ब्लैंक सेल भी, चाहे नंबर लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? काउंट। तो A, B, 2, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। तो नंबर ऑफ सेल्स को काउंट कौन करता है? काउंट करता है। वहीं पर हम काउंटा के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? काउंटा। तो इसमें क्या करा जाता है? हम उन सेल्स को काउंट करते हैं जो नॉन एम्प्टी है। याद रखिए, इसका काम क्या है? नॉन एम्प्टी सेल काउंट करना, कि भाई ऐसे सेल रेंज, मतलब जो भी रेंज दी गई है उसमें जो खाली है, नहीं है, मतलब जो भरे हैं, उन्हीं को काउंट करेगा। अब मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर, मिनिमम सबसे छोटा नंबर निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हम बात करेंगे हमारे अगले, जो कि होता है टेक्स्ट फंक्शन। इसके लिए इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट। तो टेक्स्ट फंक्शन कौन कौन से हैं? CHAR, COD, concatenate, exact, left, length, mid, next, trim। यहाँ पर राइट भी आएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे पेपर के लिए कौन कौन से जरूरी हैं। तो पेपर में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कौन सा? कैरेक्टर और कोड। तो कैरेक्टर का मतलब क्या हो जाता है? किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो कैरेक्टर जो फंक्शन है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं कहां पर है? तो कैरेक्टर फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? तो अगर हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई ASCII कोड है, क्या दिया गया है? ASCII कोड दिया गया है, और उस ASCII कोड के थ्रू, उस ASCII कोड के थ्रू हम क्या करना चाहते हैं? हम पता लगाना चाहते हैं कैरेक्टर का। क्या करना चाहते हैं? ASCII कोड के थ्रू हम कैरेक्टर का पता लगाना चाहते हैं। हम किसका प्रयोग करेंगे? तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे किसका? उसके लिए इस्तेमाल करेंगे कैरेक्टर का। जैसे मैंने आपसे बोला, तो मैंने बोल दिया क्या? इक्वल टू CHAR 92। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 92 पर जो नंबर होगा, जैसे ये वाला नंबर होता है, सॉरी ये वाला स्लैश होता है, तो ये इसका आउटपुट हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास क्या है? हमारे पास कोई कैरेक्टर है, हमारे पास क्या है? कैरेक्टर, और उसका ASCII कोड निकालना है, तो हम इस्तेमाल करेंगे कोड फंक्शन का। वहीं पर अगर हम देखें क्या लेंथ, तो क्या हो जाएगा? इसका इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए, स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए। तो जैसे लिखा LEN इनवर्टेड कॉमा अल्फाबेट, तो भाई अल्फाबेट की लेंथ कितनी है? तो इसमें कुल कितने कैरेक्टर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। तो स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? LEN का, ओके। और ट्रिम का इस्तेमाल किया जाता है, क्या है ट्रिम का इस्तेमाल किया जाता है? एडिशनल स्पेस। तो क्या है? हेडिंग और टेल, हेड और टेल, मतलब शुरुआत और अंत में जो एडिशनल स्पेस है, अतिरिक्त स्पेस है, उसे हटाने के लिए। तो अतिरिक्त स्पेस को हटाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ट्रिम का इस्तेमाल करते हैं। लेफ्ट राइट के भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन एग्जाम में ज्यादा पूछे नहीं जाते। फिर आते हैं लॉजिकल फंक्शन। तो लॉजिकल फंक्शन कौन कौन से हैं?
एंड है, नॉट है, फॉल्स है, और है, इफ है, ट्रू है, और इफ एरर है। तो इसमें से अगर हम देखें तो जो नॉट होता है, नॉट का इस्तेमाल करते हैं ये पॉजिटिव को नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। तो मतलब अगर इसका आंसर ट्रू आ रहा होगा तो उसे फॉल्स कर देगा, तो फॉल्स को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, कौन, नॉट। वहीं पर अगर हम बात कर देते हैं किसके बारे में, तो इफ का इस्तेमाल होता है कंडीशन के लिए, कंडीशन के लिए। अगर हम कंडीशन से अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारा आंसर क्या रह जाएगा, इफ। वहीं पर हम देखें और एंड, तो इन दोनों का इस्तेमाल होता है मल्टीपल कंडीशंस के लिए। इन दोनों का जो यूज है वो किसके लिए होगा, मल्टीपल कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए। यदि हम एक से अधिक कंडीशंस फुलफिल करना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि जितनी भी कंडीशंस लगे हो तभी आंसर ट्रू आए, तो हम एंड लगाएंगे। और यदि हम ये चाहते हैं कि अगर दी गई कंडीशंस में अगर एक भी सही हो जाए तो आंसर ट्रू आ जाए, तो हम और लगाएंगे। एंड में सभी कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है, नहीं फॉल्स में अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो हमारा काम बन जाता है। अब आता है इफ एरर। तो इफ एरर का जो फंक्शन है, इसका इस्तेमाल किया जाता है एरर का पता लगाने के लिए। किसके लिए करते हैं, एरर का पता लगाने के लिए। तो हमने लिखा इफ एरर हैज वैल्यू, तो मतलब क्या है कि यहाँ जो लिखा हुआ ये एरर है या नहीं है। हम सभी जानते हैं कि अक्सर में एरर है तो आंसर आ जाएगा ट्रू। तो क्या बोला जाता है कि सेल के अंदर जो वैल्यू है वो एरर है भी या नहीं, ये पता लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इफ एरर का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर हम बात करेंगे किसके बारे में, लुकअप एंड रेफरेंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम, लुकअप एंड रेफरेंस के बारे में।